नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर स्वप्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। बिहार पाई बीजेपी रा संकल्प पत्र एथर रा स्लोगान पांच सूत्र एक लक्ष एगार संकल्प उन्नीस लक्ष नुआ रोजगार रा स्वप्न मागणा वैक्सीन देवा को प्रतिश्रुति देला दल। आज दिनक उन्नीसश तेर पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन सेंटर एगारश नौ स्थानीय संक्रमण आठश चार खोर्धु सर्वाधिक दुईश चौवन पॉजिटिव चिन्हट राज्य में पुणी पंदर मुंड नहीं महामारी। घनीभूत है बंगोपसगर सृष्ट लघुचाप आज नेब अवपात्र रूप राज्य में तीन दिन प्रबल वर्षा गंजाम गजपति को ऑरेंज सह आठ जिला को येलो वार्निंग कच्चा घर हेब प्रभावित भूस्खलन आशंका। पुणी जननी जंत्रणा रास्ता नथिबारु गांव को आसीपारलानी आंबुलांस कलाहांडी लांजीगढ़ खटिया रे नदी पार हेले प्रसूति सेपटे लिफ्ट खराब होइजिबारु एससीबी रे सीढ़ी चढ़ीगले गर्भवती। आज मंडपर षष्ठी बिल्व बरण पर पूजा पाइबे महामाया सेपटे शक्तिपीठ से चली माँ सप्तमी पूजा विभिन्न बेश दर्शन देउछन्ति माँ जगत जननी। एवं आज केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जन्मदिन 56 वर्ष बयस पदार्पण कले शाह ट्वीट कर जन्मदिन शुभेच्छा जनइले प्रधानमंत्री मोदी कहले देश और दल प्रति शाह अवदान अतुलनीय। एथर संपूर्ण खबर बिहार पाई बीजेपी रा तैयारी दल जारी करछि मैनिफेस्ट जहाँ को संकल्प पत्र रा ना देछि दल। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी रा संकल्प पत्र जारी करछन्ति। एथर बीजेपी रा स्लोगान पांच सूत्र एक लक्ष एगार संकल्प जहाँ को नहीं बिहार रा जनता को वोट मागिब दल। एथिरे 19 लक्ष नुआ रोजगार रा प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। चाषी आय दुईगुणा करा एवं एमएसपी रेट्रे धान और गहम पर चाषीों ठू डाली किणाजी बोली बीजेपी कही। खोलिबो नुआ मेडिकल कॉलेज एवं हिंदी रे इंजीनियरिंग और डाक्तरी पाठ पढ़ा। एक वर्ष भितर 3 लक्ष नुआ शिक्षकों निजुक्ति बिहारवासी को प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। बिहार को आत्मनिर्भर करने सह 1 कोटी महिला को रोजगार देबाकु योजना। बिहार ऐसे प्रदेश है जिसमें हर नागरिक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है और इन्फॉर्म्ड भी है। उनको पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं और उनको ऐसे संकल्प पत्र रिलीज करने में से उनका भरोसा खमाना, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, टू गेट देयर भरोसा इतना आसान नहीं है। मगर भरोसा को आधार रखते हुए एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर पा रही है, इसीलिए रिलीज कर पा रही है कि हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। We fulfill our promise. भारत देश में ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है जो बीजेपी रा संकल्प पत्र एथर रा स्लोगान पांच सूत्र एक लक्ष एवं एगार संकल्प उन्नीस लक्ष नुआ रोजगार रा स्वप्न मागणा वैक्सीन देवा को प्रतिश्रुति देला दल। तबे जहाँ संकल्प पत्र रा ना देछि दल जो मैनिफेस्ट रही जहाँ को नामकरण दि जाए संकल्प पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी रा संकल्प पत्र जारी करछन्ति। एथर बीजेपी रा स्लोगान पांच सूत्र एक लक्ष ओ एगार संकल्प जहाँ को नहीं बिहार रा जनता को वोट मागिब दल। जमुची बिहार निर्वाचनी माहौल दलियों प्रार्थी हेवीवेट करुछन्ति प्रचार गोटे पटे गोटे राजनैतिक दल निर्वाचनी इस्तहार प्रकाश करुथबा बेले लोकों भितरे बढ़ुची उत्साह। जमुची बिहार निर्वाचनी माहौल तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे बिहार राम प्रतिनिधि इमरान खान आम सहित जोड़ी होती। इमरान जदि कहबा जमुची बिहार निर्वाचनी माहौल एपट जदि कहबा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संकल्प पत्र मध्ये जारी करछन्ति जहाँ दलर स्लोगान रहिबो पांच सूत्र एक लक्ष एवं एगार संकल्प
आउ कौन रही अधिक अपडेट और निर्वाचन माहौल किभली रही जानवाक चाहिए वर्तमान बिहार निर्वाचन को लेकिन प्रस्तुत हो उठी बिहार राजनैतिक माहौल एवं सबू राजनैतिक दल वर्तमान प्रचार मैदान को हेवीवेट मैंने स्टार प्रचारक कैंपेनिंग करते विभिन्न राजनैतिक दल तक इश्तेहार पत्र घोषणा करफेस्टो घोषणा करते सीधा दृश्य बर्तमान देखेबी आम अच्छू भोजपुर जिलार आरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से ग्रेट डेमोक्रेटिक सेकुलर दल जी आरा विधानसभा निर्वाचन मंडली जी प्रार्थी रखते प्रवीण कुमार सिंह से प्रचार मैदान को जेहतु कोरोना कटक मध्यरे अल्प संख्यक समर्थक को लेकिन से प्रचार करते देखते दृश्य ये हूँ आरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और ये ग्रेट डेमोक्रेटिक सेक्टर दल प्रार्थी अच्छा प्रवीण कुमार सिंह जोटा कि मायावती असदुद्दीन ओवैसी और सामने को मिलित एवं उपेन्द्र कुशवाहा एम को लेकिन जो दल गोटे गठन रही दल को लेकिन प्रार्थी आज ये प्रचार करो कौन तर प्रचार रही है कमी प्रचार करोचना करवा प्रवीण जी हम आपको स्वागत करते हैं किस तरह से आप लोग प्रचार करते हैं क्या क्या मुद्दे लेके जनता के पास जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ आवाज़ बंद करिए कि आप लोगों ने आज चुनावी प्रचार के दौरान मुझे रोड पर रोककर आपने मुझे प्रचार के बारे में एजेंडा के बारे में विशेष रूप से आपने प्रश्न किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रत्याशी हूं। हमारे दल में 6 पार्टियां का 6 नेताओं का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है। आज मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के आरा 194 विधानसभा के प्रत्याशी हूं। मुझे प्रत्याशी जनता के बीच में आने का मौका मिला जो 7 साल से अभी जिला अध्यक्ष हूं और आज भी हैं। मैं मेरा एजेंडा है शिक्षा सुधार। आप लोग के माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार टू में हमारा पहले से एजेंडा चल रहा है बहुत से जो हमारे नेतृत्व में नेता का निर्देश। तबे दशहरा उपलक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को शुभेच्छा जनावंती आसंतु नजर पकाइबा। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे महाशिष्टि के शुभ अवसर पर बंगाल के जनता को दुर्गा पूजा का अपना शुभेच्छा संदेश दे। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। प्रथमे आपना दे सकले जनाई श्री श्री दुर्गा पूजो आसन्न श्री श्री काली पूजो एवं दीपावली प्रीति अतिरिक्त शुभेच्छा और अभिनंदन। बांग्लार ए पवित्र भूमि ते दुर्गा पूजोर समय आपना देर सकलेर मध्य आस्ते पेरे आज आमी निजी के धन्यो माने करी से। पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों आज भक्ति की शक्ति ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्थित हूँ। बंगाल के माँ दुर्गा के भक्तों ने मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है मुझे इस अवसर से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। जब आस्था अपरंपार हो माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो तो स्थान स्थिति परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है बंगाल हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों ग्राम बांग्ला और शहर बांग्ला के रंग और माँ दुर्गा के नवरूप की झलक न दिखाई देती हो।
दुर्गा पूजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है, भारत की पूर्णता का भी पर्व है। बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को एक नई चमक देती है, नए रंग देती है, नए श्रृंगार देती है। ये बंगाल की जागृत चेतना का, बंगाल की आध्यात्मिकता का, बंगाल की ऐतिहासिकता का प्रभाव है। पवित्र षष्ठी के इस पुण्य अवसर पर मैं बंगाल की पवित्र पुण्य भूमि आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। बंगाल की भूमि से निकले महान व्यक्तित्वों ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी शस्त्र और शास्त्र से, त्याग और तपस्या से मां भारती की सेवा की है। बंगाल की माटी को अपने माथे से लगाकर जिन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई, उनसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, माँ आनंदमयी, ऐसे अनगिनत अनगिनत ऋषि परंपरा के महानुभावों को, महर्षियों को, तपस्वियों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने बंगाली नहीं पूरे देश के संस्कारों को गढ़ा। उन गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर, बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जी चट्टोपाध्याय को भी मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारतीय समाज को नई राह दिखाई, नई चेतना जगाई। उन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, गुरुचंद्र ठाकुर, हरिचंद्र ठाकुर, पंचानन वर्मा का नाम लेते हुए ही एक नई चेतना जगती है। आज अवसर है उन सब के सामने शीश झुकाने का, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जीवंत किया, नई ऊर्जा से भर दिया। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शहीद खुदराम बोस, शहीद प्रफुल्ल चाकी, मास्टर दास सूर्यसेन, बागा जतीन को हम सब आज नमन करते हैं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। ऐसी मां शारदा, मातंगिनी हाजरा, रानी राशमणि, प्रीतिलता वादेदार, सरला देवी चौधरानी, कामिनी राय को आज प्रणाम करने का ये पल है, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया। ऐसे जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आज जब विज्ञान का युग उनको हर पल याद करता है, मैं भी आज उन महानुभावों को नमन करता हूं। आज के भारत को गढ़ने में, संवारने में बंगाल का इतना बड़ा योगदान है, इतने सारे नाम है कि शाम हो जाएगी लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। कला संगीत जगत की ही बात करें तो काजी नजरुल इस्लाम, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, सुचित्रा सेन, उत्तम कुमार, कितने ही नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है।
वैसे बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि दुर्गा स्वरूप माँ भारती की जो तस्वीर आज करोड़ों भारतीयों के दिल में बसी है, वो तस्वीर भी सबसे पहले बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। बंगाल के लोगों में एक ऐसी आत्मशक्ति है जिसके कारण वे हर क्षेत्र में आगे बढ़कर उपलब्धियां पाते हैं। बंगाल के लोगों ने देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया है, आज भी बढ़ा रहे हैं, और ये मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी बंगाल के लोग देश का गौरव इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सब भी बंगाल के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज के पावन दिन मैं सभी का स्मरण करता हूं, अथाह शक्तियों से भरी हुई बंगाल की जनता को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, इस बार हम सभी कोरोना के संकट के बीच दुर्गा पूजा मना रहे हैं। मां दुर्गा के भक्त, पंडालों के आयोजकों सब ने इस बार अद्भुत संयम दिखाया है। संख्या पर भले असर पड़ा हो, लेकिन भव्यता वही है, दिव्यता वही है। आयोजन भले ही सीमित है, लेकिन उत्सव का रंग, उल्लास, आनंद असीमित है। यही तो बंगाल की पहचान है, यही तो बंगाल की चेतना है, यही तो असली बंगाल है। हाँ, मेरा आपसे ये आग्रह जरूर है कि माँ दुर्गा के पूजा के साथ ही आप दो गज की दूरी, मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। साथियों, बंगाल में उमा एलो घरे की सनातन परंपरा रही है। दुर्गा पूजा के प्रारंभ में बोधन समारोह में मां का पारंपरिक आह्वान भी इसी परंपरा का विधान है। यहां दुर्गा को अपनी बेटी भी मानते हैं, बेटी की तरह घर में उनका स्वागत करते हैं। ये दर्शन ईश्वरीय सत्ता से हमारा संतान और मां का ये रिश्ता, यही हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतन का मूलभूत आधार है। इसलिए हमें सभी बेटियों को दुर्गा की तरह सम्मान करने की सीख दी जाती है। नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है, और मां दुर्गा की पूजा तो साक्षात शक्ति की साधना है। हमारी मां दुर्गा दारिद्र्य, दुख, भय हारिणी कही जाती है, दुर्गति नाशिनी कही जाती है। अर्थात वो दुखों को, दरिद्रता को, दुर्गति को दूर करती है। इसलिए दुर्गा पूजा तभी पूरी होती है जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं। साथियों, महिषासुर का वध करने के लिए माता का एक अंश ही पर्याप्त था, लेकिन इस कार्य के लिए सभी दैवीय शक्तियों को संगठित हो गई थी। वैसे ही नारी शक्ति हमेशा हमेशा से भी सभी चुनौतियों को परास्त करने की ताकत रखती है। ऐसे में ये सभी का दायित्व है
कि संगठित रूप से सभी उनके साथ खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी के विचार यही है, संस्कार यही है और संकल्प भी यही है। इसलिए देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। चाहे जन धन योजना के तहत 22 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो या फिर मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसान ऋण देना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, चाहे गर्भावस्था के दौरान मुफ्त चेकअप की सुविधा हो या फिर पोषण अभियान, चाहे स्वच्छ भारत के तहत घरों में शौचालय का निर्माण हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी। तबे पवित्र दुर्गा पूजा उपलक्षे जहां शुभेच्छा देउथले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कोरोना कटकणा सहित दो गज की दूरी एवं मास्क परिधान उपर मध्य गुरुत्व देबाकु अनुरोध करिछंती मोदी। आसिबा परवर्ती खबर को आज दिनकरे 1913 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। क्वारंटाइन सेंटर रु 1109 स्थानीय संक्रमण 804 खोर्धारु सर्वाधिक 254 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेहिपरि अनुगुलरु 106 कटकरु 150 बालेश्वरु 73 बरगड़रु 63 भद्रकरु 46 बलांगीरु 63 पॉजिटिव चिन्हट। जगतसिंहपुरु 99 जाजपुरु 72 ढेंकानालु 48 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेहिपरि आज 15 मुंड नैछि महामारी। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ବିଲୁଅ ବରଣ ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ସେପଟେ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। 16 ପୂଜା ଉପଚାର ବିଧିରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦଶହରା ପୂଜା। ବାରିପଦାର ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ନବରାତ୍ରିଠାରୁ ମା ଅମ୍ବିକା ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସକାଳଠାରୁ ମାଙ୍କର 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ସେହିପରି ପୀଠରେ ମହାସପ୍ତମୀ କୁଚିଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳ। ସୌମ୍ୟ, ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଯାହା ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଜୋରସୋରରେ ମାଙ୍କର ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଛି, ପୂଜା କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଠାକାର ପୂଜା ମାହୋଲ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଭିତରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ, କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ରେ ରହିଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ନବରାତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏଇ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କିପରି ଭାବରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ବିଧିରୀତି ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ନବରାତ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା, କ'ଣ କହିବେ କିପରି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ?
नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्रायिनी यतः प्रणतस्मदाम भगवती राजराजेश्वरी श्री जगदम्बा परम्बाद्या शक्ति परमेश्वरीकर बिना भक्त चली देखु तमने यहाँ गोटे विरल दृश्य बिना भक्त हेब बोल आम आशा नाला कितु प्रशासन जो मैंने कटक मध्य माँ को षोडशोपचार पूजा चली आज महासप्तमी पूजा अनुष्ठित होलरत्रि बेष आज से विश्वर कल्याण करतु बिना ये जो कोरोना महामारी को विश्वर प्रसमान करतु भक्त मनोवांचित मानसिक को पूरण करतु यह ही आम कामना निहाती भाव में देखते कह कुचिंडा दुर्गा पूजा निहारतम दुर्गा पूजा अनुषित होता है कहीं जो दशहरा दशमी दिन रही दशमी दिन राति तमाम ये भिड़ होता है भिड़े लोक मैंने रात तमाम आसी माँ को दर्शन करतापर भाव में बर्ष निहाती भाव में भक्तों मध्य टी कौना कौटी दुख प्रकाश रही है कहीं बर्ष माँ को दर्शन करें ना घर रहीकि अनलाइन मध्यम दर्शन करेंगे से परिप्रेक्षी आम सहित मंदिर जे उपसभापति अच्छा दुर्गा पूजा कमिटी बस स्टाण्र मंदिर उपसभापति अच्छा सहित आलोचना करवा जानवा आज्ञा किपर भाव में कौन कह दुर्गा पूजा किपर भाव पालन कौन कह दुर्गा मंदिर स्थान हूँ संबलपुर जिला कुचिंडा सब डिविजन कुचिंडा बस स्टैंड दुर्गा मंदिर आउ ये पूजा आरंभ होता राजा समय रे को बामंडा स्टेट बोल कहते राजा भारत स्वाधीन हवा आगर ये पूजा को आरंभ करते कुचिंडा दशहरा बोले ऐतिहासिक दशहरा बहुत तने जोर जार रे पालित हुए झारखंड छत्तीसगढ़ कलकत्ता याड़ू भी दुकान बजार नहीं कि सब लोग आसती मीना बजार आसे सर्कस आसे ओ दुनिया बहुत प्रकार नृत्य गीत बहुत प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए किंतु कौन करवा बहुत दुखर कथा सब फिका पड़ी जाइए कोविड 19 जो विरल जो दृश्य देखा गले आखिर लोक मान लुह झरुची ये हूँ दशहरा जो माँ को आज हूँ सप्तमी पूजा आज भक्तर काँ भाँ कहीं भक्त भी नहांती समस्ते रही घरे सब पूजा अर्चना करीड़भाड़ ना प्रशासन तीन कमिटी को लेकर बस स्टैंड पंचमुखी छक मंदिर छक तीन कमिटी को लेकिन प्रशासन गोटे मीट करते मीटिंग रे कहाई थला जे खाली कबाट की पूजा हबो कर्ता और चारिटा पुजारी नहीं किंतु आज से प्रकार चली अति दुखर सहित कह दिन गले दशहरा पल पुणी बंची आर मस वर्ष को दशहरा हबो माँ को ये अनुरोध जमी सारा विश्व को महिषासुर गाँव रक्षा करते माँ को पूजा अर्चना कर हार गुहारी कर ये माँ तू भी करुणा कोरोना रो महामारी असुर मुक्ति दे निहाती भाव में देखो स्वप्ना से मत प्रकाश देते निहाती भाव में मन को मध्य दुख हो कहीं देखो दुर्गा पूजा बाहर कोलकाता कहता कहत कटक रु कथ कहत अनेक स्थान चलित बर्ष कोरोना कटकणा जो निडम्बर भाव में पालन हो दुर्गा पूजा धन्यवाद सौम्य आप समस्त अपडेट आसिबा परवर्ती खबर को मयूरभंज जिला जशीपुर थाना अंतर्गत एनएच 49 पद्मपुर ठारे विलंबित रात एक गोरु बोझे गाड़ी को धरला जशीपुर पुलिस जबत परे गाड़ी रे बोझे होइथिबा समस्त बाउंटी गोरु को करंजिया गोशाला को हस्तांतर कला पुलिस गोरु बोझे गाड़ी पश्चिम बंग को जाउथबा सूचना मिली अन्यपटे ड्राइवर जनक घटनास्थल फेरार हो जाइछि वर्तमान अर्गस अपडेट रे समय सरी अधिक खबर पर आम वेबसाइट विजिट करें अर्गस न्यूज नमस्कार।